राज सुपर किंग्स टीम के ओनर बुदाजी केरकर जिन्होंने 1,000 रुपए, महेंद्र जुएकर जिन्होंने 500 रुपए, अजीत सावंत जिन्होंने 5,000 रुपए और पहले दिन में 15 वाटर बॉटल के केस दिए थे हमें शैलेश हरिहर शाह जिन्होंने फाइनल मैच में प्रेक्षक तथा प्लेयर्स के लिए वाटर बॉटल सप्लाई की है राजन गना धूरी मां जाड़ी जिन्होंने। हेलो से, हेलो, वैसे ही सनी हेलो बल्लेबाजी पर इस बार दिशाही गेंद हम्पायर का इशारा मिलता हुआ वाइड, दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ। वैसे ही जो पहली सेमीफाइनल में यानी कि फाइनल में प्रवेश कर सी टीम है जो बैतूल सुपर जायंट्स, वैसे ही सनी प्रशांत नजदीक एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला हुआ शॉट घुटने तेकर एक टप्पा खाकर जाती हुई गेंद 4 रन, खूबसूरत शॉट थी, हवा का फायदा उठाते जो बल्लेबाज बल्ले में तो ताकत नहीं थी, जी जान नहीं लगाई थी, बल्ले का मुंह खोला था। इस बार जो सनी जैसे बल्लेबाज ने फुल टस बनाकर खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के साथ जो खाता खोल लिया टीम का और अपना भी खाता खोला। वैसे ही प्रशांत अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट और इस बार खेल लिया सेकंड स्लिप के क्षेत्र में तो कौन सनराइजर्स के खिलाड़ी सनी के लिए हैट्रिक चक्के के लिए 1,000 रुपए का इनाम जो रखा है नित्यानंद गिरफ की तरफ से। वैसे ही गेंदबाजी के लिए तैयार राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार फुल टस बनाकर खेला हुआ शॉट एक टपा खा कर गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रन, पावर प्ले का जो पूरा फायदा उठाते हुए मात्र एक ओवर पावर प्ले का डिसीजन, मात्र 2 फील्डर जो बाहर रहेंगे सर्कल के बाहर, पूरा फायदा उठाते हुए युकी और सनी कुल जो स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। थोड़ी हवा तेज चलती हुई यहाँ पर इस मैदान पर, लगभग हल्की धूप। अगली गेंद बढ़िया गेंद बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा लगा, यहाँ पर आवाज तो जरूर आई थी, एक मौका था कीपर के लिए, इस बार मौका गवा दिया और एक फिर से खेलने का मौका बल्लेबाज के लिए, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जो फिर से खेलने का मौका दिया तो बल्लेबाज जो आक्रमण बदल सकते हैं, जो एक विराट रूप ले सकते हैं जो वही बल्लेबाज। और टप्पा खाने के बाद जो लाइन बदली गेंद ने सीधा कीपर के ग्लव्स में, कोई भी एक बिंदी गेंद लगातार 2 डॉट गेंद जाती हुई इस ओवर में जो पहले ओवर की सर्कल की पहले ओवर की, कुल जो स्कोर 10 रन। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट प्रशांत और इस बार खेल लिया हवा में गेंद 38 सर्कल के जो फील्डर 19 नंबर जैसी पहने हुए थोड़े पीछे हटकर जो कैच को लपक लिया और पहला धक्का लगता हुआ और प्रताप की बारिश समाप्त, सॉरी की अभिजीत पहला धक्का लगता हुआ जो पहले ओवर की शुरुआत में पहले ओवर समाप्त के बाद जो स्कोर 10 रन। पहले 2 गेंदे जो अच्छे घटे थे यहाँ पर, पहले ओवर में छक्का उसके बाद चौका।
के दिन मैं यूट्यूब में मैच देखा था, अजय का जो अच्छी बारी खेली थी, 34 रन की जो बारी खेली थी। जहां पर जो फाइनल की जो बैनर है, उन लोग उसको गेंद टच लगते तो 500 रुपये का इनाम भी रखा है। कल अजय ने बैनर को टच किया था इसलिए 500 रुपये मिला। आज अगली गेंद, और इस बार नकल डिलीवरी थोड़े चूके इस बार जो बल्लेबाज सनी। इस बार गेंदबाज के लिए फुल फायदा हो जा होना चाहिए, यहाँ पर हवा का फायदा मिलता है। नकल गेंद भी डालेंगे, अंदर की तरफ आएगी गेंद। अगली गेंद, और इस बार हॉट एंड शॉट के जरिए खेला हुआ शॉट, 4 रन तो निश्चित रूप से। हवा का फायदा उठाते हुए रिवर्स के जरिए खेला हुआ शॉट, ज्यादा ताकत नहीं था बल्ले पर, एक मुंह खोला था बल्ले का और 4 रन मिले। 4 रन के जरिए कुल जो स्कोर 14 रन। फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, चूंकि इस बार जोरदार रफेल बल्ले गेंदबाज की कुछ भी हो सुरक्षित था। एक अच्छी स्टार्ट यानी कि अच्छी शुरुआत, वैसे ऐसे टारगेट की जरूरत यहाँ पर सनी। और लाइन के बाहर थी गेंद, दिशाहीन गेंद। थर्ड अंपायर का इशारा, हेलो स्टाम्पिंग चक, थर्ड अंपायर कॉल। सनी राइट आर्म आउट विकेट लेगी। इस बार लो फुल टच थी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गई गेंद। खुद कीपर जाकर गेंद को उठाते, जब तक सिंगल लेने का एक मौका ले बाई के जरिए, और कुल जो स्कोर 15 रन। एक अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर, जो पिछले पहले मैच में जो अजय और सनी ने एक अच्छी साझेदारी की मैच खेली थी, लगभग 80 रन 83 रन बनाए थे। एक बड़ा टारगेट इस मैदान पर जो इस टूर्नामेंट का लक्ष्य रखा था, यही जोड़ी जो अब तक राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर गेंदबाजी करने के तैयार। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा,
थोड़ी सी मिस होती हुई यहाँ पर फील्डर के जरिए गली की क्षेत्र में गई, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के जरिए रन में और एक रन की बढ़त, कुल जो स्कोर 16 रन ना। अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सनी जैसे बल्लेबाज को, और इस बार खेल लिया है, देखना होगा 6 रन। खूबसूरत शॉट, शॉट फाइनल एक क्षेत्र में घुटने टेक कर खेला हुआ शॉट, 6 रन के जरिए तेज से आगे बढ़ता हुआ स्कोर, कुल जो स्कोर 22 रन ना। दो और समाप्त के बाद जो स्कोर 22 रन ना, क्योंकि ये दूसरा सेमीफाइनल मैच, कम से कम जो लगभग 60 रनों की यहाँ पर जरूरत होनी चाहिए, हर एक ओवर में 15 रन की जरूरत जो अगली टीम को जो देना चाहिए, आपको वही दिशा से खेलना चाहिए। खास करके अजय जो स्ट्राइक पर रहेंगे और पूरा हवा का फायदा बल्लेबाज के लिए मिलेगा। टोटल स्कोर 22 मात्र वंद उधर नष्ट के। वैसे ही गेंदबाजी पर गणेश बेतुल गोवा के जो मशहूर गेंदबाज जैसे ऑलराउंडर बल्लेबाज यानी कि ऑलराउंडर फील्डर गणेश पूरे दामोदर के साथ, यानी कि बल्लेबाज के लिए हवा का फायदा होता है, इसलिए गेंदबाजी पर उतरे हैं, खास करके अजय स्ट्राइक पर। और इस बार खेला हुआ शॉट, पटकी गेंद थी, 6 रन, आसमानी छक्का, एक लंबा छक्का लगता हुआ अजय के बल्ले से, इस 6 रन के जरिए तेज से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन ना। तेज से आगे बढ़ता हुआ गणेश आते ही पहली गेंद पर जो एक बड़ा पहली गेंद पर आघात होता हुआ 6 रन ना। वैसे अगली गेंद लेकर गणेश अजय और फिर से खेला हुआ शॉट, खूबसूरत प्रयास थी यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में, 6 रन, गोली की तरह निकली गेंद, तेज शॉट थी, तेज फ्रार, ताकत के साथ खेलते हैं जो अजय। मैंने पहले ही कहा था जो अजय एक अच्छे गेंद बल्लेबाज है। तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, 34 रन ना। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत था, यानी कि हवा का फायदा लेना होगा बल्लेबाज के लिए। उस तरफ से रन बने थे मात्र पहले ओवर में 10, उसके बाद जो 12 रन ना जो सनी ने खेले, इस बार मात्र 2 गेंदों में 12 रन बन चुके अब तक। गणेश जैसे गेंदबाज को जो एक बड़े हिट लगाने में कामयाब अजय, अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट कारोरेंट से गेंदबाजी करेंगे, और उस पर लो फुल टेस्ट गेंद, एक कबिंदी गेंद जाती हुई गेंद, एक चतुराई बराई गेंद थी, थोड़ी सी नकल गेंद टेक्निक का इस्तेमाल किया, 2 गेंदों में 2 छक्के जरूर गवाए थे बल्लेबाज गणेश, गेंदबाज गणेश ने। उसके बाद जो थोड़ी सी वापसी करते हुए अगली गेंद लेकर, और इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल लिया है, देखना होगा गेंद को रोक पाते नहीं, एक टपाका कर गई गेंद, आउटफील्ड काफी तेज यहाँ पर इस मैदान पर जो टप्पा खाती है तो काफी उछाल लेती है, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। इस 4 रन के जरिए तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन ना, तंडद मत 38 मात्र वंद्र उधर नष्ट के। खूबसूरत जो बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी तालमेल के साथ जो बल्लेबाज जो खेल रहे, एक अच्छी सोच बनाई यहाँ पर, एक अच्छी टारगेट बनाना चाहते जीत के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत में कुल जो स्कोर 38 रन ना।
राइट आर्म ऑर्डर किट गणेश, और इस बार पीछे हटकर खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, खूबसूरत फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा सेक रन के जरिए, रन में और एक रन की बढ़ोतरी 39 रन 39। 30 ओवर की शुरुआत में अब तक 5 गेंदों में 16 रन 17 रन खर्च कर चुका है जो गणेश। आखिरी गेंद सनी, देखना होगा हवा का फायदा उठाएंगे, और आखिरी गेंद उत्तर की दिशा में आएगी जो हवा तेज फैलती हुई, यहाँ पर एक खुलकर खेलने का मौका, आखिरी गेंद बची है राइट आर्म आउट द केटस, पहली बार स्ट्राइक लेंगे गणेश की गेंदबाजी पर जो सनी राइट आर्म आउट द केटा, और इस बार खूबसूरत गेंद और रन आउट का मौका, यहाँ पर जोरदार अपील, देखना होगा जरूर अंपायर की तरफ इशारा करेंगे, अंपायर ने इशारा दे दिया थर्ड अंपायर के जरिए, देखना होगा चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर मिस्टर इग्नेश। हेलो, और अंपायर कंडीशन मिलता हुआ बल्लेबाज शायद आउट, शायद नहीं आउट नो डाउट, और रन आउट होकर जो ऑफ जाते हुए सनी, एक बड़ा धक्का लगता हुआ इस मोमेंट पर जो अंतिम मोमेंट पर, कुल जो स्कोर 39 रन 39। आखिरी गेंद थी, एक सिंगल चुराना चाहते थे जो बल्लेबाज सनी, और आउट होकर जो वापस जाते हुए सनी, वैसे ही नए बल्लेबाज समीर, वैसे ही समीर उतरे हैं, समीर के लिए हैट्रिक चके के लिए जो 500 रुपए का इनाम जो रखे है, वैसे स्ट्राइक पर रहेंगे अजय, अजय स्ट्राइक पर, अजय ज्यादा से ज्यादा जो अजय स्ट्राइक पर रुकना होगा, गौतम गेंदबाजी पर, एक युवा खिलाड़ी जो गौतम खास करके मैंने कई बार जो उनकी गेंदबाजी भी देखी है, गौतम बड़े बल्लेबाजों को जो चकमा दिया था गौतम, वही गेंदबाज अजय, खूबसूरत शॉट कवर ड्राइव बाउंड्री 4 रन, बल्ले फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, खूबसूरत शॉट थी, इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर अंतिम ओवर में, खूबसूरत शॉट इस 4 रन के जरिए तेज से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43, तंड मत 43, कुल जो स्कोर है 43, खूबसूरत शॉट यहाँ पर जो बल्लेबाज अजय, अगली गेंद लेकर गौतम, और फिर से खेला हुआ शॉट डीप कवर की क्षेत्र में, रोक पाते नहीं इस बार, रोक लिया, 2 रन तो जरूर मिलेंगे, थोड़ी सी मिस होती हुई 2 रन के जरिए, रन में और 2 रन की बढ़ोतरी, कुल जो स्कोर अब 45 रन, खूबसूरत जो बल्लेबाजी, आखिरी ओवर जो अंतिम ओवर यहां पर, अभी तक 4 गेंदे बाकी, अगली गेंद लेकर इस बार बिंदी गेंद, एक डॉट गेंद जाती हुई इस मोमेंट पर, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए यहां पर, बल्ले को जरूर चुना होगा गेंद को सिंगल या डबल के जरिए, क्योंकि उस मोमेंट पर जो हवा का भरपूर तेज हवा चल रही है, लगभग 32 किलोमीटर यानी कि 32 दशमलव की दिशा से हवा फैल रही है, और इस बार फुल किया डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में,
एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के जरिए रन में और एक रनों की बढ़ोतरी, कुल जो स्कोर 46 रन 46। एक कीमती ओवर घटता हुआ यहाँ पर अंतिम मोमेंट पर, पहले ओवर में पहली गेंद पर 4 रन, उसके बाद दूसरी गेंद पर 2, एक डॉट गेंद, एक सिंगल, एक अच्छा ओवर घटता हुआ, एक अंतिम ओवर यहाँ पर, एक अंतिम मोमेंट पर एक गोल्डन ओवर थी। और वैसे ही शमीर मात्र 2 गेंदे बचे हैं अगली गेंद लेकर, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार फुलटस गेंद, बल्लेबाज के लिए कोई फायदा नहीं, और इस बार चुके रन आउट का मौका था, एक गलत शो और एक गलत रन यहां पर मिला है। एक गोल्डन रन ना, यानी कि एक 80 रन मिलते तो एक गोल्डन की जाएगी, जान रन नहीं होता था, रन मिला है। आखिरी गेंद, कुल जो स्कोर 47 रन 47। आखिरी गेंद, अजय स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद लेकर, और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, शायद एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे। खूबसूरत फील्डिंग और पूरा 4 और समाप्त के बाद जो स्कोर 48 रन 49 रन की जरूरत था, 24 गेंदे 49 रन की जरूरत था, 49 रन की जरूरत था। थैंक यू शैलेश, आगे का हक अधिकार सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर शैलेश। शुक्रिया घनश्याम, अब तक जो आपको देखा, आल आप सुन रहे थे, आवाज थी मिस्टर घनश्याम खड़ेकर फ्रॉम देवबाग की, दूसरा सेमीफाइनल मैच जो चल रहा है सनराइजर्स सुनकेरी बनाम रामराज सुपर किंग्स बेतुल के बीच। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवरों में 48 रन बनाए और 49 रनों का जो लक्ष्य रखा है रामराज सुपर किंग्स को, इस मैच को जीत कर मेगा फाइनल मैच में प्रवेश करने के लिए। एकमात्र टीम जो मेगा फाइनल में अपने दूसरे अपोनेंट का इंतजार कर रही है वो है बेतुल सुपर जायंट्स। दत्तराज जुवाड़कर की टीम अब जो फाइनल में पहुंच चुकी है और दूसरे छोर से दूसरे अपोनेंट का इंतजार करते हुए GPL यानी कि गाबित समाज प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट का पहला सीजन जिसे आयोजन किया था गाबित बॉयज कारवार, जिन्होंने आज के दिन उस टूर्नामेंट का जो अंतिम क्षण अंतिम घड़ी और दूसरा सेमीफाइनल के दूसरे इनिंग का आगाज होता हुआ, पहले जो बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स सुनकेरी ने 48 रन बनाए और 49 यानी कि 49 रनों का लक्ष्य जो रखा है इस मैच को जीत कर मेगा फाइनल मैच। सुनील तथा
सूरज की जोड़ी समय, दोनों ही भाई भाई की जोड़ी रामराज सुपर किंग्स के लिए लक्ष्य है 49 रनों का निर्धारित, चार ओवर यानी कि 24 गेंदों में 49 रनों का जो लक्ष्य। इस मैच को जीतकर जो मेगा फाइनल मैच में प्रवेश करने के लिए मैं कमेंट करता सनी जो खुद कप्तान बॉलिंग मार पर जानते हैं महत्वपूर्ण मैच है, निर्णायक मैच है, अगर इस मैच में चूके तो सीधा अगले साल इंतजार करना पड़ेगा ट्रॉफी की तलाश में। सनी गेंदबाजी पर पावर प्ले की ओर लेकर आधे जो खेल दिया और क्या खूबसूरत स्ट्रोक, अंपायर का इशारा, चार रनों के साथ रामराज सुपर किंग्स की गाड़ी निकल पड़ी 49 का के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। इस बार फिर से खेल दिया लेकिन इस बार वहां पर फील्डर मौजूद था, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पांच रन के साथ जो पहली ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने चोर बदला, यहां पर ट्रॉफी जो डिस्प्ले होती हुई, विनर्स ट्रॉफी जिसके लिए लड़ रहे हर एक टीम, ग्लास की ट्रॉफी है 24। इंच विनर्स ट्रॉफी, ग्लास की ट्रॉफी यहां पर डिस्प्ले होती हुई। फिलहाल सनी रिवर्स स्वीप का प्रयास यहां पर और इसमें कामयाब होते हुए सूरज, नौ रन जो बन चुके अब तक का पहली ओवर जो प्रगति पर। इस बार सनी थोड़े से महंगे साबित होते हुए, जो प्लान बनाया था सनील और सूरज के लिए लेकिन उस प्लान को अपने सामने चलने नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज रामराज सुपर किंग्स के। फिर से खेल दिया हुआ पर देखना होगा और कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच ड्रॉप होता हुआ बल्लेबाज का, 11 रनों पे पहुंचता हुआ निजी स्कोर रामराज सुपर किंग का।
सेमीफाइनल का जो प्रेशर है हर एक खिलाड़ी के ऊपर रहता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, दिल में धक धक चलती रहती है, फिर उसी धक धक को सोख कर जो आगे निकलता है वही सिकंदर कहलाता है। फिलहाल इस बार सुशांत उस दबाव को झेल नहीं पाए, इस बार फिर से खेल दिया मिस फील्डिंग वहां पर फील्ड द्वारा और गेंद गई 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर सनराइजर्स द्वारा, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 15 रन बगैर कोई विकेट खोए रामराज सुपर किंग्स। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत तो काफी खूबसूरत हुई है, दोनों ही भाई एक ठोस शुरुआत देते हुए इस समय रामराज सुपर किंग्स को। नए गेंदबाज परेश के हाथों में गेंद जो थमाई है, इस समय कप्तान सनी ने थोड़े से मायूस जरूर होंगे क्योंकि पहले ओवर में जो विकेट चटकाने का मौका था जिसे गवा दिया सुशांत ने, उसके बाद मिस फील्डिंग भी। हेलो परेश, इस बार जो दूसरी ओवर लेकर परेश, हेलो दूसरी ओवर लेकर जो परेश गेंदबाजी पर हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई। राइट एंड लेफ्ट एंड का कॉम्बिनेशन सूरज तथा सुरेल दोनों ही भाई भाई। जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी होगी, ज्यादा समय नहीं है, फिर भी स्ट्राइक पर हो जाएंगे सूरज। इस जीपीएल के श्रृंखला में दोनों ही भाइयों का बल्ला खूब बोला, इस समय हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंच पाई। 17 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। थोड़ा सा खेल रुकता हुआ पर फील्डिंग में तब्दीली करने के लिए परेश फिर से गेंद माजी पर स्ट्राइक पर सुनेला।
इस बार फिर से देरी होती हुई खेल शुरू करने में अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए जीपीएल सीजन वन। इस बार लेग कटर गेंद लेकिन जड़ में थी, हल्के हाथों से सम्मान के साथ खेल दिया इसे और आंखों ही आंखों में इशारा कर दोनों भाइयों ने एक रन चुरा लिया, यानी कि सही तालमेल दोनों के बीच, दोनों के साथ जो अच्छी साझेदारी बनते हुए यहां पर रामराज सुपर किंग्स। दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मैच जरूर है क्योंकि अगर ये इस मैच में जीतते तो ट्रॉफी उठाने की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। एकमात्र टीम जो मेगा फाइनल मैच में प्रवेश कर चुकी है वो है बेतुल सुपर जायंट्स। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए यहां पर परेश। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, क्या खूबसूरत गेंद रही, बढ़िया वापसी करते हुए यहां पर परेश। हालांकि 49 रनों का जो लक्ष्य है बार बार खेल में रुकावट आ रही है, जल्द से जल्द खेल की शुरुआत करनी होगी क्योंकि इसके बाद भी मेगा फाइनल मैच खेलना बाकी है। इस बार खेल दिया, कोई फील्डर नहीं, वहां पर गेंद गई वन बाउंस चार रन के लिए। काफी देर बाद एक चौका देखने को मिला। दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 22 रन, यानी कि बचे हुए 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत था। 12 गेंदे 27 रन, कुल मिलाकर 49 रनों का जो टारगेट। इस मैच सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच जीपीएल सीजन वन का दूसरा जो सेमीफाइनल मैच रोमांच की ओर बढ़ता हुआ, अभी भी बराबर बराबर पलड़े में झुका हुआ मैच। थोड़ी सी मंत्रणा बीच मैदान में सनराइजर्स के खेमे में। बारह गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, एकमात्र टीम जो बेतुल सुपर जायंट्स फाइनल में पहुंचकर अपनी जगह पक्की कर आराम कर रहे और इंतजार कर रहे हैं अपने विरोधी टीम का। इस मैच के ऊपर पूरे नजरें बनाए रखी होगी बेतुल सुपर जायंट्स के सभी प्लेयर क्योंकि जानते हैं इस मैच, इसी दोनों टीमों में से कोई एक टीम इस समय उनके सामने भिड़ जाएगी फाइनल में। सभी प्लेयर्स के प्रदर्शन को देखकर कुछ रणनीतियां बना रहे होंगे, कुछ प्लान्स तैयार कर रहे होंगे। बारह गेंदे 27 रन, 12 बॉल 27 रन वॉज द इक्वेशन। समीर गार्ड लेते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और कल से जो देवबाग के ग्रीन पार्क मैदान पर
अंबिका और गाबी समाज के शादी किए हुए खिलाड़ियों के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। जिस किसी क्रिकेट प्लेयर ने शादी की है उनको टीम लेकर भाग लेने में एक भरपूर मौका। इस बार खेल दिया, पढ़ लिया सीधे पाले में गेंद दी और जड़ दिया 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक सुनील, इस सीजन पूरी तरह के अपने रंग में नजर आए सुनील। 28 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर, यानी कि बचे हुए 11 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। फिर से पढ़ लिया और फिर से जड़ दिया, इस बार और भी लंबा सिक्स। पंद्रह रनों की आवश्यकता बचे हुए दस गेंदों में। 2 छक्कों के साथ इक्वेशन पूरी की तरह। रामराज सुपर किंग्स के खेमे में खुशी लाते हुए 2 गेंदे पर 2 छक्के। सुनील क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं दिखी उनके बल्लेबाजी में। इस बार बढ़िया गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा। डॉट गेंद यानी कि बिंदी गेंद, 9 गेंदे 15 रन। और ये वाइड दिशा से भटके, 2 छक्कों का जो प्रेशर अभी भी समीर के सर के ऊपर मंडराता हुआ, दिल में धक धक होती हुई, मायूसी छाती हुई सनराइजर्स के खेमे में। 9 गेंद 14 रन। इस बार फिर से जड़ दिया, फिर से जड़ दिया, क्या खूबसूरत शॉट रहा। सुपर किंग्स के खेमे में उत्साह बढ़ता हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट, काफी महंगे साबित होते हुए निराशाजनक प्रदर्शन यहां पर समीर द्वारा। निराशाजनक प्रदर्शन, मायूस होते हुए यहां पर सनी, क्योंकि जानते हैं अब तक जो खुद के दम पर लड़े थे लेकिन कोई भी साथ नहीं मिल रहा इस पूरे इनिंग में। फिर से जड़ दिया 4th छक्का इस ओवर का, 2 रनों की आवश्यकता ये ओवर शुरू होने से पहले। 27 रनों की आवश्यकता थी 12 गेंदों में, अब 7 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता, यानी कि 5 गेंदों में 25 रन खर्च किए यहां पर समीर ने। निराशाजनक प्रदर्शन, कंधे गिरते हुए सनराइजर्स के सनी काफी मायूस होते हुए। फिर से पुल टॉस गेंद और ये आउट, इस बार कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। ओवर की समाप्ति के बाद क्या खूबसूरत पारी खेलकर जा रहे हैं सुनील, अपने टीम के लिए तालियों से इस्तकबाल होगा।
जी हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि क्या खूबसूरत पारी खेलकर जा रहे हैं। 10 गेंदों में 31 रन बनाए सुनील ने। इस मैच के निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच के हकदार हो जाएंगे सुनील। गणेश जो नए बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर, मात्र 2 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। एक जो मात्र टीम जो बेतुल सुपर जायंट्स फाइनल में विराजमान हो चुकी है, दूसरी टीम जो है रामराज सुपर किंग्स, वो भी बेतुल से बिलोंग करती है, वो भी फाइनल के दरवाजे पर खड़ी हुई है अब तक। सूरज जो स्ट्राइक पर हो जाएंगे और गेंदबाजी पर अजय। अजय 6 गेंदे 2 रन इस बार खेल दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, खूबसूरत फील्डिंग। 5 गेंदे 2 रन, क्या निराशाजनक ओवर रही पिछली ओवर समीर द्वारा। 25 रन खर्च किए उस ओवर में, मैच का टर्निंग ओवर इस बार खेल दिया और छक्के के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई रामराज सुपर किंग्स बेतुल, यानी कि दोनों ही टीमें बेतुल की मेगा फाइनल मैच में भिड़ेगी, टाइटल के लिए लड़ेगी, जीपीएल टाइटल सीजन 1 का टाइटल भिड़ेगी रामराज सुपर किंग्स बनाम बेतुल सुपर जायंट्स। और जो मैन ऑफ द मैच के हकदार बन रहे हैं रामराज सुपर किंग्स के सुनील।